मुरादाबाद निजी स्कूल की दर्जनों छात्राओं ने डीएम का किया घेराव, रोकी गाड़ी, स्कूल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कार्यवाही करने के संबंध में दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें, एक निजी इंटर कॉलेज की छात्राओं को स्कूल प्रबंधक ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अनुपस्थित दिखाया था, जिसके कारण छात्राओं को फेल कर दिया गया था, जिसको लेकर छात्राओं ने पहले भी प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसके बावजूद भी छात्राओं की कहीं सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का घेराव करते हुए उनकी गाड़ी को रोक लिया और जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन पर कार्यवाही करने के संबंध में एक शिकायती पत्र भी जिलाधिकारी को सौंपा। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल प्रशासन के द्वारा एक बड़ी लापरवाही की गई। छात्राओं ने प्रशासन पर कार्यवाही की भी मांग की है। क्या नाम है आपका? वैशाली ठाकुर। क्यों आए आप यहाँ? सर, हम अपने रिजल्ट के लिए आए थे। पहले तो हमें एक महीने से टाल रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमें जांच पड़ताल करनी है। तो अब जब कुछ हफ्ते पहले हमारा प्रमोट का आ गया था, जब हमने पुल जाम करा था, उसके अगले दिन ही हमारा प्रमोट का आ गया था, लेकिन प्रमोट से हमें कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आपकी परसेंटेज वाली मार्कशीट नहीं आएगी, हम आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं लेने देंगे। स्कूल का क्या इसमें फेलियर है, ये बताइए। सर, स्कूल वाले ये हैं कि स्कूल वाले डाटा नहीं भेज रहे। जब तक ऊपर डाटा ही नहीं जाएगा तो सर हमारी मार्कशीट कैसे आ जाएगी? नहीं भेज रहे सर, वो अब हमें नहीं पता। इसी बात के लिए तो सर हम आए डीएम से बात करने, डीएम सर से बात करने आए थे। डीएम सर तो हमें आश्वासन देकर चले गए हर बार की तरह। आज आपने उनकी गाड़ी रोकी, घेराव किया, तो क्या कहा उन्होंने? सर, आज भी आश्वासन देकर चले गए हमसे कि हम कार्रवाई करेंगे। सर, 31 तारीख से सर कार्रवाई ही कर रहे हैं, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई डिसीजन ही नहीं मिल रहा कि हमें कि हमारा भविष्य खराब होने से बच रहा है या खराब हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा। क्या करेंगे हम? एग्जाम से पहले स्कूलों द्वारा कुछ पैसे लेने की बात आई थी सामने। जी सर, प्रैक्टिकल फीस हमसे ली गई थी 500 ली गई थी, पर ये था कि हमारी मंथली फीस सबमिट नहीं थी, इस वजह से हमें बोर्ड देने नहीं दिए, प्री बोर्ड इसीलिए हमें देने नहीं दिए थे। अब जो है प्रैक्टिकल फीस ले ली, 500 सभी बच्चों से ली थी, और प्रैक्टिकल फीस लेने के बाद बोलते हैं कि आप जो भी बताना 200 फीस बताना। स्कूल का नाम क्या है? श्री शाय विद्या कन्या इंटर कॉलेज। नियमानुसार कितने रुपए फीस जाती है? सर, 200 रुपए जाती है। 500 रुपए लिए थे हर बच्चे से, हर पर सब्जेक्ट 500 रुपीज लिए गए थे।